चैप्टर ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 है। उसका पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34। आपको जो फिगर नंबर है वो एनसीईआरटी बुक का है, आर सिमिलर, राइट दी सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन दी सिम्बोलिक फॉर्म। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुछ आपका फिगर दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है कौन सिमिलर है और कौन सिमिलर नहीं है। बस आपको जब भी सिमिलर वर्ड आए तो बस एक चीज याद रखना, आपका जो भी फिगर दिया हुआ है वो फिजिकली सेम अपीयरेंस होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि मान लो इस दो फिगर की बात कर ले, ए बी आपका परपेंडिकुलर है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग में जो यहाँ पे पी क्यू है तो आपका वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। वैसे बी सी बेस है तो क्यू आर भी बेस होना चाहिए, ए सी हाइपोटेन्यूज है तो पी आर भी हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। अगर दोनों फिगर आपका सिमिलर अपीयरेंस नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है, एक फिगर को रोटेट करके दूसरे फिगर के सिमिलर कर देना। पहला क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ पी क्यू आर, और इसमें आपको एंगल्स दिया हुआ है, एंगल ए 60 है, एंगल बी 80 है और एंगल सी 40 है। एज लाइक एंगल पी 60, एंगल क्यू 80 और एंगल आर 40 है आपका, और आपको जो दोनों फिगर है वो सिमिलर अपीयरेंस नजर आ रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और आपका वैल्यू दिया हुआ है 60, वैसे ही आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और वैल्यू दिया हुआ है 80 और आपका एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू दिया हुआ वैल्यू 40। कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उसका जो वैल्यू है सेम है। कह सकते हैं ए बी सी सिमिलर टू आपका एंगल पी क्यू आर, और किसके थ्रू आ रहा है, एंगल 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 के थ्रू आ रहा है। और एक चीज याद रख सकते हो सिमिलरिटी में कि आपका दो एंगल भी अगर इक्वल है तो आपका ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और आपका पी आर क्यू, लेकिन अगर हम फिगर को देखें तो आपका जो अपीयरेंस है वो सेम नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो ए बी आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे ए बी नहीं है, यहाँ पे आपका पी आर, तो यानी कह सकते हैं हमको सेम अपीयरेंस करने के लिए इसको रोटेट करना होगा। तो हम आर क्यू को रोटेट कर रहे हैं तो आपका क्यू इधर आ जाएगा, आर नीचे की ओर आ जाएगा और आपका पी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो रोटेट किया हुआ डायग्राम है क्यू आर पी, तो अब हम इन दोनों का वैल्यू को देखेंगे कि क्या ये दो ट्रायंगल आपका कोरस्पॉन्डिंग है कि नहीं है। इस दो फिगर की बात करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं और क्यू आर पी ले लेते हैं। अब हम साइड देखते हैं ए बी, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, क्यू आर होगा। तो ए बी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे 2 वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो आपका क्या आ गया 1/2 आ जाएगा। वैसे ही बी सी के कोरस्पॉन्डिंग आपका आर पी आएगा, तो यहाँ पे 2.5 अपॉन 5 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 2.5 अपॉन 5, अगेन यहाँ पे 1/2 आ गया। एज लाइक यहाँ पे ए सी के कोरस्पॉन्डिंग आपका क्यू पी है, यानी 3/6, तो 1/2 आ गया। तीनों साइड का वैल्यू आपका सेम निकल रहा, तो हम कह सकते हैं ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी हो जाएगा। तो आपका ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, और यहाँ पे हो रहा है साइड 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 के थ्रू हो रहा है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका ट्रायंगल है एल एम पी ट्रायंगल है और आपका डी ई एफ ट्रायंगल है। अब यहाँ पे एल एम की वैल्यू दिया हुआ है 2.7, एम पी दिया हुआ है 2 और एल पी दिया हुआ है 3, एज लाइक डी ई दिया हुआ 4, ई एफ दिया हुआ 5 और डी एफ दिया हुआ 6। यहाँ पे एक चीज बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करना है आपको, एल एम पी ट्रायंगल में हाईएस्ट वैल्यू है 3, तो हम कह सकते हैं ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और आपका ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपका ये बेस गिवन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में देखें आपका डी एफ तो मान लो हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन आपका जो बेस डी ई है और यहाँ पे ई एफ क्या हो गया परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ई एफ क्या हो गया परपेंडिकुलर होगा, तो ई एफ इधर होना चाहिए और जो डी ई बेस है तो आपका इधर होना चाहिए। तो इसको हल्का सा रोटेट कर रहे हैं तो आपका जो एफ होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा और डी नीचे की ओर आ जाएगा, तो आपका जो डायग्राम होगा इस टाइप का डायग्राम हो जाएगा। अब हम कहेंगे एल एम पी सिमिलर टू एफ ई डी। अब हम इस दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग को देखेंगे, इन ट्रायंगल एल एम पी और एफ ई डी की बात कर लेते हैं, तो एल एम अपॉन एफ ई हो जाएगा 2.7 अपॉन 5 हो जाएगा, 2.7 अपॉन 5 हो गया।
आपका बेस एमपी है, बेस एडी है, तो 2/4 हो जाएगा, तो 2/4 हो गया, डेट इज 1/2 हो जाएगा। एलपी अपॉन एफजी हो जाएगा, 3/6 होगा, 3/6 डेट इज 1/2। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो आपका जो पहला साइड है एलएम और आपका जो एफई है कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है एमपी और ईडी का। कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल एलएमपी है और जो एफईडी है वो सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है एम एन एल और आपका पी क्यू आर। एम एन 2.5 है लेकिन एंगल एम आपका 70 डिग्री है, एम एल आपका 5 है। तो इस ट्रायंगल से इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपका एम एल है वो एक हाइपोटेन्यूज है। एज लाइक पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू 5 दिया हुआ है, क्यू आर 10 दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल क्यू है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी ऑब्जर्व करें तो आपका क्यू आर क्या होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा और एंगल क्यू यहाँ पे 70 दिया हुआ है। तो अगर हम 70-70 की बात करें तो आपका यहाँ पे सेम अपीयरेंस नजर नहीं आ रहा है। क्यू को यहाँ पे हम रोटेट करेंगे, यानी क्यू को रोटेट करके ऊपर ले जाएंगे और आपका जो क्यू है यहाँ आ जाएगा, तो इसकी वजह से क्यू आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और एम एल भी क्या आपका हाइपोटेन्यूज है, तब आपका अपीयरेंस सेम हो सकता है। तो हम यहाँ पे रोटेट करके क्यू पी आर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो क्यू आर आपका हाइपोटेन्यूज है, एज लाइक एम एल आपका हाइपोटेन्यूज है और आपका जो वैल्यू है 70-70 सेम है। अब हम इस एंगल एम एन एल और क्यू पी आर की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू है, डेट इज 70। और दूसरा अगर हम बात करें एम एन अपॉन क्यू पी उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, 2.5/5 है, डेट इज 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ दिया हुआ है, ए बी 2.5 और एंगल ए है 80 डिग्री, बी सी 3 है, ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो डी ई का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ई एफ आपका 6 है और डी एफ आपका क्या है 5 है। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो एंगल ए आपका 80 है और आपका एंगल एफ 80 है, तो दोनों को हम सिमिलर करेंगे, तो सिमिलर करने के लिए इसको रोटेट करके यहाँ लाना होगा। तो जो नेक्स्ट आपका फिगर है रोटेट कर रहे हैं, एंगल एफ को यहाँ लेके आ रहे हैं आपका और ई इधर आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, तो अब देखो आपका जो डायग्राम हो जाएगा एफ डी ई आ जाएगा। अब ए बी सी ट्रायंगल को एफ ई डी के साथ हम लोग कॉरस्पॉन्ड करेंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो गया, तो दोनों का वैल्यू 80 हो गया, ए बी अपॉन एफ डी हो जाएगा, तो डेट इज 2.5 और 5 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम बी सी की बात करें या फिर हम ई डी की बात करें या ए सी या फिर एफ ई की बात करें, तो यहाँ पे एक आपको जो साइड है वो अननोन है, तो हम लोग इस केस में ए सी अपॉन एफ ई की बात कर लेते हैं। तो ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ लेकिन एफ ई क्या है 6 है, तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन एफ डी डज नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन 6। इसी वजह से जो आपका ए बी सी ट्रायंगल है और जो आपका एफ डी ई ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है, ए बी सी एंड एफ डी ई आर नॉट सिमिलर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको जो ट्रायंगल दिया हुआ है डी ई एफ और ट्रायंगल दिया हुआ पी क्यू आर, अगर हम लोग अपीयरेंस देखते हैं तो दोनों ट्रायंगल के अपीयरेंस सेम है। अब एंगल डी दिया हुआ 70, एंगल ई दिया हुआ 80, लेकिन यहाँ पे एंगल एफ नहीं दिया हुआ है, एंगल पी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है और एंगल क्यू है 80, एंगल आर है आपका 30। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे किसी भी एक ट्रायंगल में, चाहे आप इसमें यूज कर लो चाहे इसमें यूज कर लो, हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो डी ई एफ में आपका सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो एंगल डी एंगल ई एंगल एफ इक्वल टू 180 होना चाहिए, एफ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे एंगल डी ई एफ 180 हो गया, 70-80 प्लस एफ इक्वल टू 180 आपका 150 आ जाएगा, तो एफ वैल्यू एफ निकल जाएगा 180 माइनस 150, आपका एंगल एफ का वैल्यू कितना निकल गया 30 निकल गया, तो एफ का वैल्यू भी 30 निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए अगर एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू दैट इज 80-80 वैल्यू है, एज लाइक एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पे दो एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल डी ई एफ है आपका सिमिलर टू पी क्यू आर हो गया बाय ए ए क्राइटेरिया। पहले भी बता चुके आपको हम इन सिमिलर ट्रायंगल में अगर दो एंगल भी इक्वल है तो हम ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, आपको इन फिगर ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ओबीए ये आपका गिवन है, बीओसी 125 दिया हुआ है, सीडीओ आपका 70 दिया हुआ है, डीओसी निकालना है, डीसीओ निकालना है और आपका ओएबी निकालना है। तो सबसे पहले डीओसी फाइंड करना है, यानी आपको ए एंगल फाइंड आउट करना है।
ये दूसरा आपको GCO यानी ए एंगल फाइंड आउट करना है, तीसरा आपको ए एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम BD को एक लाइन बोल सकते हैं और आपको OC को एक रे बोल सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर पियर के थ्रू कि आपका जो सम होगा 180 होना चाहिए। यहाँ पे आपका COB यानी 125 दिया हुआ है, तो आपका DOC बाय लीनियर पियर वैल्यू निकल जाएगा 180 से 125 को माइनस कर देंगे, तो 180 को 125 से माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 55 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि DOC का वैल्यू कितना निकल गया, आपका 55 निकल गया बाय लीनियर पियर। अब अगर इसकी वैल्यू निकल गया 55, तो हम कह सकते हैं सम प्रॉपर्टी DCO से आपका DCO का वैल्यू निकल जाएगा। हम इसको ऐड करेंगे 180 से माइनस करेंगे तो 70 प्लस 55 आ गया, और हम 180 से माइनस करेंगे तो अगेन आपका जो वैल्यू निकल के आ रहा, क्या निकल के आ रहा, 55 निकल के आ रहा। तो इसकी भी वैल्यू 55 आपका निकल के आ गया। अब अच्छा, OAB यानी आपका एंगल A की वैल्यू निकालना है, तो हम कह सकते हैं आपका कि जो आपका OCD ट्रायंगल OAB के सिमिलर है। तो अब सिमिलर अगर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे फिजिकली अपीयरेंस सेम करना होगा। तो हम कह सकते हैं OAB को रोटेट करेंगे तो आपका जो B है इस साइड आ जाएगा, A इस साइड आ जाएगा, तो आपका जो एंगल C है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपका एंगल A हो जाएगा। तो अगर हम OAB की वैल्यू निकालेंगे तो हम कह सकते हैं जो आपका एंगल OAB होगा वो इक्वल टू एंगल DCO होगा। तो DCO का वैल्यू कितना दिया हुआ, 55 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं OAB का वैल्यू 55 निकल जाएगा। तो आपका DOC, एंगल DCO और एंगल OAB तीनों का वैल्यू 55 निकल रहा है। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग BD को लाइन मानेंगे और OC को रे मानेंगे। तो हम कह सकते हैं DOC और COB इक्वल टू 180 हो गया बाय लीनियर पियर। तो आपका जो DOC है, COB का वैल्यू 125 दिया हुआ, 180 से माइनस DOC का वैल्यू 55 आपको निकल के आ गया। जैसे ही DOC 55 निकल गया, तो अब हम लोग DCO ट्रायंगल लेके ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से आपका एंगल DCO भी फाइंड आउट कर देंगे। तीनों एंगल का सम 180 होगा सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। तो 70 55 दिया हुआ है, ऐड करेंगे और 180 से माइनस करेंगे तो आपका 180 माइनस 125 हो जाएगा, अगेन 55 वैल्यू निकल जाएगा। तो DCO भी कितना निकल के आ गया, 55 निकल के आ गया। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रॉपर्टी के थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो आपको इंटर एंगल ODCOB ये आपको गिवन है, तो यहाँ पे DCO और आपका जो एंगल OAB है दोनों आपस में क्या कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम लोग लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, दैट इज व्हाई एंगल OAB आपको कितना 55 निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है और यहाँ पे AB पैरेलल टू CD है, तो आपको फाइंड आउट करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो देखो OA और OB आपका ट्रायंगल OAB में आ सकता है, OD OC आपका ट्रायंगल OCD में आ सकता है, यानी हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग आपका साइड आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको OAB सिमिलर करना होगा आपका OCD को। तो अगर हम OAB OCD को सिमिलर कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपका OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका जो BOD है और आपका AOB है वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, आपका एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा आपका। और फिर AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं एंगल D इस पोर्शन को और इस पोर्शन की बात करें तो अल्टरनेटिव एंगल होगा। अगर आपका दो लाइन पैरेलल दिया हुआ और एक आपका जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो आपका जो A एंगल होगा आपको इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेटिव एंगल, एज लाइक A एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ पर भी AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है, तो आपका A एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा एज लाइक A एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं ABO CDO के इक्वल हो गया और BAO आपका OCD के इक्वल होगा अल्टरनेटिव एंगल से।
तो आपका तीन एंगल इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ओ ए बी सिमिलर टू ओ सी डी हो गया। तो आपका ओ ए बी सिमिलर टू ओ सी डी हो गया, तो हम कह सकते हैं उसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ओ अपॉन ए सी ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी हो जाएगा। सॉल्यूशन में देख लो, तो हम लोग क्या गिवन है क्या लिख देंगे कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है आपका, और इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, और जो डायगोनल है ए सी बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को ओ के। आपको प्रूफ और प्रूफ करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी हो गया। तो हम ट्रेंगल ओ ए बी और ओ सी डी की बात कर लेंगे। ए ओ बी और जी ओ सी जो एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा, ए बी ओ और एंगल सी डी ओ एंड एंगल बी ए ओ और आपका एंगल ओ सी डी अल्टरनेटिव अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। देयरफोर ओ ए बी और ओ सी डी क्या हो जाएगा, ए ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। तो इसके बाद जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इन सिमिलर ट्रेंगल द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ सी हो गया और आपका ओ बी अपॉन ओ सी हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर है, फिगर में दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस और आपका क्यू टी अपॉन पी आर और आपका एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, और आपको बताना है पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। अगर हम गिवन की बात करें तो आपको क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया हुआ है और आपका क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है और आपका एंगल वन इक्वल टू एंगल टू के बराबर है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम पी क्यू आर ट्रेंगल ले लेते हैं, पी क्यू आर ट्रेंगल ले लेते हैं, तो आपका एंगल वन और एंगल टू बराबर हो गया। तो जब भी दो एंगल बराबर होगा तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो भी इक्वल होगा, यानी आपका एंगल वन के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर साइड है, टू के अपोजिट आपका क्यू पी है। हम कह सकते हैं जो पी आर है साइड ऑफ क्यू पी के इक्वल हो गया, तो पी आर इक्वल टू क्यू पी। तो अब हम पी आर इक्वल टू क्यू पी हो गया, इसको इस जगह पे वैल्यू को पुट करें तो आपका ये जो गिवन है वो क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पी आर किसके इक्वल हो गया, क्यू पी के बराबर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब हम अगर दो ट्रेंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर की बात कर लेते हैं, तो हम देख लेते पहले पी क्यू एस और आपका टी क्यू आर। तो यहाँ पे देखो जो एंगल क्यू है दोनों केस में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू एस और आपका जो एंगल टी क्यू आर है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया आपका। और आपका जो साइड क्यू आर है कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू एस है और आपका क्यू टी साइड कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू पी है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। तो इसके वजह से, इन दो की वजह से हम कह सकते हैं जो आपका पी क्यू एस है वो सिमिलर हो जाएगा टी क्यू आर के। यहाँ पे दो साइड आ गया और एक आपका एंगल आ गया, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड के वजह से सिमिलर आपका हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, उसको हम लोग इक्वेशन वन मान लिए, और आपका एंगल वन इक्वल टू एंगल टू दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करना है क्या कि जो पी क्यू एस है वो सिमिलर होना चाहिए टी क्यू आर के। तो हम लोग प्रूफ करते हैं, तो हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर ले रहे हैं, आपको एंगल वन एंगल टू इक्वल हो गया, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो भी इक्वल होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू जो आपका पी आर का वैल्यू जो क्यू पी निकल रहा है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी आ गया। अब हम लोग एंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर की बात कर लेते हैं, तो एंगल पी क्यू एस और आपका जो एंगल टी क्यू आर है कॉमन एंगल है एंगल क्यू, और क्यू आर क्यू एस इक्वल टू क्यू टी क्यू पी अभी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, इसकी वजह से पी क्यू एस ट्रेंगल सिमिलर टू ट्रेंगल टी क्यू आर हो गया बाय एस ए। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर सच डेट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस सो डेट आर पी क्यू इक्वल टू आर टी एस। आपको एक ट्रेंगल पी क्यू आर बना लेना है, पी आर के साइड में पॉइंट एस है और आपका क्यू आर के साइड में पॉइंट पी है, और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है एंगल पी इक्वल टू एंगल टी, हम लोग को प्रूफ करना है आर पी क्यू, यानी आपका आर पी क्यू आपका जो ट्रेंगल है वो आर टी एस के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एंगल टी आर टी एस ट्रेंगल का एंगल टी और आपका जो पी क्यू आर ट्रेंगल का एंगल पी बराबर है, इक्वल है, ये गिवन है, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल टी हो जाएगा। एंगल आर आपका दोनों ट्रेंगल में सिमिलर है, तो ए ए क्राइटेरिया से आपका आर पी क्यू और आर टी एस सिमिलर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लो, आपको एक
PQR ट्रायंगल गिवन है जिसके साइड PR पे पॉइंट S है और QR के साइड पे पॉइंट P है और आपको दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू एंगल T। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल RPQ को सिमिलर करना RTS है। यहाँ पे एंगल P और एंगल RTS गिवन है और आपका जो PRQ है और जो PRS है यानी आपका जो एंगल R है वो कॉमन है, इसी वजह से आपका दोनों सिमिलर हो गया बाय ए क्राइटेरिया।